रितेश पांडे एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं, इसका क्रेडिट वो अपनी पत्नी को भी देते हैं। जी हाँ, चलिए हम आपको उनका एक वीडियो दिखाते हैं। रितेश पांडे जहाँ अपने पिता का पैर दबा रहे हैं और उनकी पत्नी वैशाली एक वीडियो बनाई और उन्होंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया। अब आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद रितेश पांडे को इस पर धड़ाधड़ लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए। फिर बाद में रितेश पांडे ने इसका क्रेडिट अपनी पत्नी को दिया कि मेरी पत्नी ने ही ये वीडियो बनाया है, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था, और फिर इसे अपलोड भी उन्होंने ही किया है। लेकिन अपनी पत्नी को क्रेडिट देना रितेश पांडे बिल्कुल नहीं भूल। वैसे आजकल रितेश पांडे का गाना लवंडिया लाएंगे वाला जो है वो 195 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और रितेश पांडे के लिए इन दिनों बहुत ही खुशखबरी की बात ये है कि तकरीबन 3 हफ्ते से भी ज़्यादा उनका एक गाना पूर्वी बैरिया यूट्यूब के ट्रेंडिंग पोजीशन पे रहा। ये एक रिकॉर्ड है किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी कलाकार का इतना लंबा गाना म्यूज़िक पर ट्रेंडिंग में नहीं रहता है। अब आपको ये बता दें कि रितेश पांडे की शादी जब से उनकी पत्नी वैशाली से हुई है वो उन्हें अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। उनका कहना है कि जब से वैशाली जीवन में आई हैं तब से उन्हें हर एक चीज़ देखने और सोचने का एक नया नज़रिया मिला है। आप क्या कहेंगे रितेश पांडे के इस बयान के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही उनके वीडियोस के बारे में भी हमें बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।